हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फार्मा इंजीनियरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन डेट ऑफ कूलिंग टावर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कूलिंग टावर का ये ऑपरेशन डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं आपको एक थंब रूल बताऊंगा कि जिससे आपकी बहुत कम टाइम में प्रैक्टिकली कैसे कूलिंग टावर का ये ऑपरेशन डेट कैलकुलेट करना है। हम थियोरेटिकली भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं भी आपको बताऊँगा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे कि थंब रूल क्या है। तो इसका थंब रूल ये है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर कूलिंग 0.2% ऑफ टोटल मास ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू योर ऑपरेशन। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कूलिंग टावर है, ये पंप है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। अगर आपका कूलिंग टावर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है पानी का, यहाँ पे सपोज 55 डिग्री सेल्सियस पे पानी एंटर करता है और कूलिंग होने के बाद 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है, तो आपका क्या होगा, जितना भी पानी यहाँ से फ्लो हुआ रहेगा उसका 0.2% पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ, दैट मीन्स अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होने पे 0.2% पानी इवेपोरेट होता है तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होने पे कितना होगा, 0.4% पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हमारा कूलिंग टावर का 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कूल होता है, तो हमारा कितना होगा, 0.6% पानी इवेपोरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है तो 0.8% हमारा पानी जो है यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि अगर हमें कूलिंग टावर का पर आवर इवेपोरेशन रेट कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे। मतलब हमारे 1 घंटे में कूलिंग टावर से कितना पानी इवेपोरेट हो जाता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं खुद डिराइव किया हूँ इसको और आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 पैरामीटर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पंप है इसका फ्लो आपको चेक करना है कि इस पंप का फ्लो कितना है। ये आपको चेक कैसे करना है, आपको ये पंप के नेम प्लेट पे मिल जाएगा कि वो कितना उसका फ्लो है, वो लीटर उस लीटर्स पर आवर में आपको मिल उसके नेम प्लेट पे लिखा रहता है, तो वो आपको चेक कर लेना है। अगर लीटर्स पर आवर में नहीं है तो आपको उसको लीटर्स पर आवर में कन्वर्ट कर लेना है उस फ्लो को। और सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये जो DT डेट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, तो आपको ये इनलेट वाटर का टेम्परेचर फाइंड मेजर करना है और ये आउटलेट वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा रहेगा DT। ओके, तो इवेपोरेशन रेट पर आवर का ये आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, DT इंटू क्यू इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर DT क्या है, इनलेट आउटलेट वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस, और क्यू क्या है, पंप का फ्लो, हमारे जो पंप है कूलिंग टावर का उसका फ्लो वो किस में होना चाहिए, लीटर्स पर आवर में होना चाहिए। ओके, आइए हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और थोड़ा डीप में क्लियर हो जाए। एक कूलिंग टावर पंप है फ्लो कैपेसिटी ऑफ 10,000 लीटर्स पर आवर एंड इट्स वाटर इज कूल्ड बाय 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा जो एक कूलिंग टावर है इसका जो पंप है इसका फ्लो है 10,000 लीटर्स पर आवर, और यहाँ पे जो टेम्परेचर डाउन होता है, जो पानी का टेम्परेचर कूल होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर डाउन होता है। मीन्स हमको हमारा जो यहाँ पे DT है, जो हमारा ये DT है फॉर्मूले में वो 6 है, और क्यू क्या है 10,000। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमने DT 6 पुट किया और क्यू हमने 10,000 पुट किया और इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आता है 120 लीटर्स। ओके,
ये क्या हो गया हमारा 120 लीटर्स पर आवर हमारे कूलिंग टावर का इवेपोरेशन रेट हो गया, ये पर आवर का हो गया। सिमिलरली आपको पर डे का करना है, तो अगर आपका कूलिंग टावर पर डे 8 आवर्स चलता है तो इसको 120 इंटू 8 कर दीजिए, आपको 8 आवर्स का इवेपोरेशन रेट मिल जाएगा। अगर आपका कूलिंग टावर 12 आवर्स चलता है पर डे तो 120 इंटू 12 कर दीजिए तो आपको 12 आवर्स का मिल जाएगा। तो ऐसे आप बहुत आसानी से किसी भी कूलिंग टावर का ये ऑपरेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।